Hi friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video we are going to solve Cardua Explored Mathematics of Class 8. और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5, जिसमें सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताना चाहती हूँ. तो देखिए, ये है आइडेंटिटी नंबर 1, ए प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अवॉइड माई नेल्स, ठीक है, क्योंकि बहुत गंदे हो चुके हैं. और आइडेंटिटी नंबर टू, ए माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. और आइडेंटिटी 3 कहती है ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और आइडेंटिटी 4, एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो ये चारों आइडेंटिटी आपको इस एक्सरसाइज में लगानी होगी, तो आपको याद आनी चाहिए. तो ये तीनों बहुत कॉमन है, इसको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ आप याद कर लीजिए. आसान है कि एक तरफ एक्स स्क्वायर होगा, एक तरफ ए बी होगा, बीच में ए प्लस बी एक्स होगा. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को सॉल्व करते एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. तो ये देखिए, ये आपका एक्सरसाइज है, लगभग 18 क्वेश्चन है. तो पहले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है. देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर दिया है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आइडेंटिटी नंबर 1 लगेगी. तो हम लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर. हमने क्या पढ़ा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा है हमने. तो देखिए क्या होगा, अब हम ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है. ए स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ लिखती हूँ, ठीक है. ए स्क्वायर का कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है. प्लस 2ab मतलब 2 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू होता है. ए यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर है. ए क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर. और बी क्या है यहाँ पे? बी स्क्वायर. प्लस बी स्क्वायर है, मतलब ये बी स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देंगे. बी स्क्वायर का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे. तो जब ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 क्या हो जाएगा? 4. 2a² b² ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये b की पावर 4, ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है xy 2z का होल स्क्वायर. तो सेम आइडेंटिटी यहाँ भी लगेगी, ठीक है. मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स वाई का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे. प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी नहीं, 2ab, 2 इंटू ए क्या है हमारा? एक्स वाई है. बी क्या है हमारा? 2z है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, ए इज इक्वल टू क्या है? हियर आप यहाँ पैसे लिख लीजिएगा, हियर ए इज इक्वल टू एक्स वाई और बी इज इक्वल टू 2z प्लस बी स्क्वायर 2z का स्क्वायर होल स्क्वायर. मतलब होल स्क्वायर का मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और जेड का भी स्क्वायर होगा, ठीक है. तो एक्स वाई का स्क्वायर कहेंगे तो एक्स पे भी स्क्वायर होगा और वाई पे भी स्क्वायर होगा. और ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा. ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 2 4 और एक्स वाई जेड, और फिर प्लस क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लस ये हो जाएगा, 2z का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. आपको 2 2 4 हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, और ये क्या 2 2 4 जेड स्क्वायर. क्लियर हो गया? और भी बता देती हूँ, ए हमारा एक्स वाई था, तो एक्स वाई का स्क्वायर किया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया. यहाँ पे 2xy.2z को मल्टीप्लाई किए, 2 2 4 एक्स वाई जेड हमें सही लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज लगेगी यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का स्क्वायर सेम इस तरह है, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 2 फिर ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? ए पी पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस बी पी पावर 4, ये आपका आंसर होगा. सेम क्वेश्चन, सेम आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी, 4x का, हाँ 4x का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है. 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा क्या है? 4x है, और b हमारा क्या है? 5 है. फिर b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर,
फोर फोर जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 फाइव जा 40 एक्स 2 टू जा 4 फोर फाइव जा 20 होता सॉरी 2 फोर जा 8 और 8 फाइव जा 40 ठीक है एक्स और 5 फाइव जा 25 तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 25 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे तो उसमें मैंने 4 सॉल्व कर दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड ईच यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड ईच अदर फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x x 5 5 दोनों सेम है मतलब क्या है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये हो गया x स्क्वायर 5 टू जा 10x प्लस 25 ये आपका इजली आंसर आ गया। अब ये देखिए ये थोड़ा सा एक आपको कन्फ्यूजन देगा क्योंकि ये माइनस यहाँ पे a है यहाँ माइनस a है और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस ये तो आप क्या कर लीजिए कि कहीं भी एक माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं a माइनस c है यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस c का c मतलब बच हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस हमारा कॉमन निकल गया है ठीक है। तो अभी आप क्या करिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ठीक है। तो ए स्क्वायर कर लिया हमने प्लस सॉरी माइनस है माइनस 2 इंटू ए इंटू सी और फिर प्लस क्या हो जाएगा प्लस हमारा बी यहाँ पे क्या है सी है तो सी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर लेकिन ये आपका आंसर नहीं है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आपको क्या कर सबका साइन चेंज हो जाएगा ये सबका साइन नहीं चेंज होगा ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा तो हाँ चेंज हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस माइनस सी स्क्वायर। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि थोड़ा इस फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे a 2a है बी 1/2 है ठीक है लेकिन यहाँ पे a माइनस बी है यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। तो आप 2a का स्क्वायर कर दीजिए फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए 2a का स्क्वायर करेंगे 2 जो 4a स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये आपका सीधे डायरेक्ट आंसर हो गया ठीक है। कुछ भी नहीं करना था सीधे हमको फॉर्मूले पे सॉल्व करना फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है। आइडेंटिटी को फॉर्मूला भी बोलते हैं तो ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ठीक है। इस आइडेंटिटी का आपको इसको प्रोडक्ट को निकालने में हमको यूज करना है तो पहले एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया ठीक है प्लस ए प्लस बी यहाँ पे ए सेकेंड वाला है ना यहाँ पे देखिए 4 + 3 फिर एक्स फिर क्या ए ए इंटू बी मतलब 4 × 3 तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 4 × 3 = 7 और 7 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 7x और 4 × 3 = 12 ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना सीधे इस आइडेंटिटी पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर था यहाँ x था एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने a और b मतलब कि ये 4 और 3 लिख दिया इंटू x था x कर दिया 4 और 3 का फिर मल्टीप्लाई 4 × 3 = 12 यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस a यहाँ पे क्या है 3 और b यहाँ पे क्या है 5 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2x फिर 3 × यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी सिंबल लगा लीजिए 5 चाहे तो डॉट लगाइए चाहे तो मल्टीप्लाई लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता 2 × 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 3 = 8 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 16x और 3 × 5 = 15 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है मतलब 4p² प्लस ए यहाँ पे क्या है 3³ + 7³ और यहाँ पे फिर हमारा 4p से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा
ठीक है, x से मल्टीप्लाई, x हमारा क्या था 4p, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप x इज इक्वल टू 4p लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 3q और b इज इक्वल टू 7a हियर। और फिर हाँ फिर हमने क्या करना है, प्लस क्या करना है, a मल्टीप्लाई b 3q मल्टीप्लाई बाई 7q, 4 4 16 पी स्क्वायर, 7 3 क्या हो गया 10, और 10 को मल्टीप्लाई 4 में तो क्या हो गया 40 पी क्यू, ठीक है 7 और 3 क्या होगा 10 हो गया, और क्यू था तो क्यू 10 क्यू लिखा, और 10 क्यू का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4p में, तो 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 40, और p और q का मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू, और ये कितना हो जाएगा 7 3 21 क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए ये भी क्या हो जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या पे ए है यहाँ पे, हियर एक्स इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3b, और बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5b, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्योंकि ए है, फिर 3b का मल्टीप्लाई हम 5b में कर देंगे, तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया 5 3 8, 8b का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 8ab हो गया, और प्लस 5 3 15 बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है और a हमारा 3b है, और क्या है a इज इक्वल टू 3b और b इज इक्वल टू 5b, फिर हमने x की जगह ए स्क्वायर रख दिया, प्लस a की जगह 3b, b की जगह 5b इंटू a क्योंकि इंटू एक्स है, प्लस 3b इंटू 5b कर दिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर देती हूँ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है का स्क्वायर माइनस इसमें भी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आप कुछ नहीं करेंगे यहीं पर फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस क्या बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, या बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा बड़े ब्रैकेट में। तो ये क्या एक्स स्क्वायर, ए क्या होगा एक्स होगा माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये 2 2 जो 4 एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर ये भी 2 2 जो 4x प्लस 1 या माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 4x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x ऐड करेंगे तो माइनस 2x, और प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे तो आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया था माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस और माइनस लगा दे इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर दिए, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया है तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया, इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आया, ब्रैकेट खुला तो साइन चेंज हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2x माइनस 1, इसको सॉल्व किया है तो हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2x आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।